तो आज के इस वीडियो को ख़ास बनाने के लिए आज मैं जा रहा हूँ लाल किला, जो कि न्यू दिल्ली में है। तो मैं आज यहाँ सुबह सुबह निकल चुका हूँ अपने रूम से और मैंने ऑटो ले लिया है। तो फाइनली मैं अब यहाँ लाल किला पहुँच गया हूँ। लेकिन यहाँ पहुँचते ही मैं क्या देखता हूँ कि लाल किला के जस्ट बगल में ही बढ़िया मेला लगा हुआ है। काफ़ी सारे मतलब झूले वगैरह हैं जो बचपन में हमने देखे थे। वैसे मुझे झूला पसंद नहीं है भाई, डर लगता है, लेकिन फिर भी मैं मेले में चला गया देखने के लिए कि किस टाइप के झूले हैं। तो यहाँ पे हर टाइप के आपको दिल दहला देने वाले तक के झूले दिख जाएंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं जो बचपन में जो एक टाइप की होती थी फेंक के और सामान जीतते थे, वो सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है। तो फिर इसको देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम आगे कि अब हम टिकट लेंगे और लाल किला के अंदर जाएंगे। वैसे आज भीड़ देख रहे हैं, कितनी सारे लोग आए हुए हैं, क्योंकि संडे के दिन अक्सर लोग बाहर आते हैं और मेले की वजह से भीड़ दोगुनी हो गई है। तो अब हम टिकट ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं और सीधे हम गेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कुछ लोग वापस आ रहे हैं, कुछ एंट्री कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आगे देखता हूँ कि तोप को लोग ऐसे समझ रखे हैं जैसे खुद की गाड़ी हो, ऐसे फोटो क्लिक करवा रहे हैं। तो ये वो जगह है जहाँ से प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं, और यहाँ से एंट्री करते ही हमें एक बड़ा सा मार्केट मिल जाता है। इस मार्केट को कहते हैं छत्ता चौक, और यहाँ पे भी काफी लोग मतलब लगे हुए हैं, भीड़ भी काफी है, और यहाँ के सामान काफी महंगे होते हैं। तो ये सब देखते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं बाकी चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए। तो दीवाने आम को पार करते हुए हम पहुंच जाते हैं रंग महल की तरफ, और यहाँ आते ही हम देखते हैं कि यहाँ के नीचे कोई नहर टाइप की है जो लोग दौड़ के वहाँ खिड़की की तरफ से देख रहे हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मुमताज महल की तरफ। ये वही जगह है जहाँ पे शाहजहाँ की बेगम रहा करती थी। यहाँ की आकृतियों को थोड़ा देखने के बाद हम पहुँच जाते हैं आगे खास महल की तरफ, और यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताने के बाद हम चारों तरफ देखते हैं कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं और काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। तो आगे वीडियो में आप देखेंगे दीवाने खास और हमाम और मोती मस्जिद की ओर हम आगे बढ़ रहे होंगे। तो सारे महलों को कंप्लीट करते हुए हम थोड़ा दूसरी साइड से आ जाते हैं, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं सारे महल हमें दिख रहे हैं। बट ये ग्राउंड है, यहाँ पे लाइटिंग और साउंड वगैरह लगे हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई लाइटिंग का बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा होगा। इसके बाद हम पहुँच जाते हैं दीवाने आम में। ये वो जगह है जहाँ पर राजा आम लोगों की शिकायतें वगैरह सुनते होते थे। तो यहाँ थोड़ा टाइम बिताने के बाद हम आपको सामने दिखा रहे हैं नौबत खाना, और यहाँ से फिर हम आगे चले जाते हैं चांदनी चौक मार्केट में। वहाँ थोड़ा ले लेते हैं आनंद खाने का, और उसके बाद यहीं पे करते हैं वीडियो को खत्म।